सो हेलो गाइज, मैं हूँ साहिल, वो फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ गैजेट्स डिस्कवरी के एक नए वीडियो में। और गाइज, आज की इस वीडियो में हमारे पास है वीवो की तरफ से आने वाला वीवो Y72 5G। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस स्मार्टफोन की जो भी सभी सेटिंग्स होने वाले हैं, कैमरा के फीचर्स होने वाले हैं, सब अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ। और गाइज, इसके अलावा अगर आप इस फ़ोन का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आ चुका है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट में हम शुरू करते हैं फ़ोन के होम स्क्रीन सेटिंग से। और यहाँ पे जैसे ही आप लॉन्ग टैप करके रखते हो तो यहाँ पे वॉलपेपर्स और जो विजिट्स वगैरह होती है होम स्क्रीन के लिए वो सब आ जाती है। और जैसे जैसे आप न्यू ऐप इंस्टॉल करोगे उनकी विजिट्स वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको होम स्क्रीन सेटिंग्स भी देखने को मिलती है। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं होम स्क्रीन ऐप आइकन पेज पे। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। अगर आप इसे इनेबल करते हो तो जो भी नोटिफिकेशन आप यहां से क्लियर करोगे वो सब आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे, ताकि कोई आपका इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप गलती से क्लियर कर दो उसे भी आप बाद में देख सको। इसके अलावा यहां पे आपको नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन की सेटिंग मिलती है। अगर आप लॉक स्क्रीन पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं चाहते तो यहाँ से आप डू नॉट शो एनी नोटिफिकेशन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो डिस्प्ले जो है लाइट अप हो जाएगी अपने आप, और ये काफ़ी कूल लगता है देखने में। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे एंड में आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिल जाता है। सो यहाँ पे आके आप डू नॉट डिस्टर्ब की सभी सेटिंग्स कर सकते हैं। और यहाँ से बैक चले तो यहाँ पे हमें डेस्कटॉप आइकन साइज़ देखने को मिल जाता है, जहाँ से हम जो आइकन के साइज़ है उन्हें इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन देखने को मिलता है। गाइज, अगर इस सेटिंग को आप इनेबल करते हो और मान लीजिए यहाँ से आपने ऑटो रोटेट को जो है डिसेबल किया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन अगर इनेबल है तो होम स्क्रीन जो है रोटेट होगी अगर आप फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रोटेट करोगे। गाइज, नेक्स्ट हम बात करें फ़ोन के डायलर की। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन में अभी जो है सिम नहीं डाली हुई, लेकिन फ़ोन में आपको जो है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग देखने को मिल जाएगी, आप फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ़ोन की गैलरी की तरफ। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन जो है नीचे की तरफ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एल्बम्स में आपको रिसाइकल बिन देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप डिलीटेड फाइल्स रिकवर कर पाओगे। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप किसी भी फाइल को जो है ओपन करते हो, किसी भी फ़ोटो को, और यहाँ पे जो मोर का ऑप्शन दिया गया है इस पर टैप करते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी भी फ़ोटो को वॉलपेपर पे सेट कर सकते हो, या फिर किसी भी कॉन्टैक्ट पे आप सेट करना चाहो किसी भी फ़ोटो को तो यहाँ से कर पाओगे डायरेक्टली। इसके अलावा आप किसी भी फ़ोटो की PDF बना सकते हो यहाँ से। इसके अलावा डॉक्यूमेंट भी जनरेट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी सेटिंग्स यहाँ पर हमें गैलरी में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप गैलरी की सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन स्टे ऑन व्हेन व्यूइंग इमेजेस, यानी कि जब तक आप फोटोज़ को देखते रहोगे तो स्क्रीन जो है वो बंद नहीं होने वाली, फ़ोन की ऑटोमेटिकली ये लाइट अप रहने वाली है। इसके अलावा रोटेट ऑटोमेटिकली, यानी कि जब भी आप फोटोज़ वगैरह देखोगे, आपने यहाँ से ये जो फंक्शन है ऑटो रोटेट का ये डिसेबल किया हुआ है, तो फिर भी जो गैलरी में फ़ोटोज़ वगैरह है वो ऑटो रोटेट होने वाली है जब भी आप फ़ोन को रोटेट करोगे। और गाइस, नेक्स्ट जैसे ही आप रिसेंट एप्लीकेशंस ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको टॉप में ये दो लाइंस दिख रही हैं, इस पर जैसे ही आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको दो ही सेटिंग्स देखने को मिलती है। सबसे फर्स्ट में है लॉकडाउन, जैसे आप किसी भी ऐप को यहाँ से लॉक कर दोगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसे क्लियर कर देते हो तो वो एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड में रन करती रहेगी, और जो भी उसमें आपने टास्क स्टार्ट किया हुआ है वो एज इट इज़ रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन की सेटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि आप एक साथ दो एप्लीकेशन जो है फ़ोन में चला सकते हो। जैसे ऊपर अभी फेसबुक चल रहा है, नीचे की तरफ यूट्यूब, तो ऐसे आप व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह एक साथ चला पाओगे। चलते हैं शॉर्टकट कीज़ की तरफ। तो यहाँ पे आपको काफ़ी यूज़फुल जो शॉर्टकट कीज़ है वो देखने को मिल जाती है, जैसे डार्क थीम, स्क्रीन कैप्चर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अल्ट्रा गेम मोड, स्प्लिट स्क्रीन। सो यहाँ पे आपको एक एडिट का आइकन देखने को मिलता है। जैसे ही आप इस पर टैप करते हो तो कुछ जो एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज़ रहते हैं वो हमारे सामने निकल के आ जाते हैं, और अगर इन कीज़ को आप मेन स्क्रीन पर लेके जाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से टैप करके आप लेके जा सकते हो। और इसके अलावा अगर आप यहाँ जो मेन स्क्रीन है इस पर जो भी कीज़ है वो आप अगर यूज़ नहीं कर रहे तो उनको उठा के आप वापस यहाँ पर डाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे फ़ोन में आपको एक सिंपल व्यू करके एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप इस पर टैप करते हो तो फ़ोन जो है बिल्कुल सिंपल व्यू में ओपन हो जाता है, और इसको आप डिफ़ॉल्ट में भी सेट कर सकते हो परमानेंटली। सो यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल लुक देखने को मिलती है, और यहाँ पे आप अपने हिसाब के जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो, जिससे आप फ़ोन जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से और आसानी से यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ़ोन के सेटिंग्स की तरफ, और सबसे फर्स्ट में चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट में, और यहाँ पे हॉटस्पॉट एंड थिएटरिंग। गाइज, यहाँ से आप जो हॉटस्पॉट है उसको सेटअप कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह
इसके अलावा यहाँ पे आप USB थिएटरिंग देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ थिएटरिंग और ईथरनेट थिएटरिंग, यानी इन मीडियम के थ्रू अपने स्मार्टफोन के इंटरनेट को शेयर कर सकते हो किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ। इसके अलावा यहाँ पे आपको डाटा सेवर देखने को मिल जाता है, जिससे अगर आप इनेबल करते हो तो जो आपका इंटरनेट है वो सेव होने वाला है। और साथ ही यहाँ पे आप अपना प्राइवेट VPN जो है सेट कर सकते हो। इसके अलावा इसी में नीचे आपको जो है प्राइवेट DNS सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लूटूथ एंड डिवाइस में। यहाँ पे गाइज आपको स्मार्ट मिररिंग की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। आप अपनी जो डिवाइस है उसकी स्क्रीन किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ शेयर कर सकते हो, और यहाँ पे आप फ़ोन में जो भी वीडियोस हैं, इमेजेस हैं या फिर म्यूज़िक है उसको अलग से मिरर कर सकते हो डायरेक्टली। साथ ही यहाँ पे आपको स्क्रीन कास्ट की भी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। और इससे नेक्स्ट यहाँ पे आपको OTG की सेटिंग देखने को मिलती है। इसे इनेबल करने के बाद गाइज आप अपने स्मार्टफोन में जो है OTG केबल के थ्रू पेन ड्राइव वगैरह यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको नियर बाय शेयर भी दिया गया है। और गाइज इनमें से जो कुछ ऑप्शंस है वो आपको सब शॉर्टकट कीज़ में भी देखने को मिल जाते हैं, तो डायरेक्टली वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो भी दिया गया है। गाइज जैसे ही आप इस पर टाइप करोगे तो सीधा प्ले स्टोर ओपन होगा। आपको एक एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा, और उसके बाद जैसे आपके पास कोई कार है उसमें कंपेटेबल कार स्टीरियो है तो आप फ़ोन के कुछ एप्लीकेशंस को जो है वहाँ पे यूज़ कर पाओगे। और गाइज इससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। तो यहाँ पे आपको आई प्रोटेक्शन, डार्क थीम जैसी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। इसके अलावा स्क्रीन टाइम आउट भी यहाँ पे दिया गया है। गाइज जैसे आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है वो जल्दी बंद हो जाती है तो यहाँ से आके आप उसका टाइम इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके अलावा ऑटो रोटेट यहाँ पे है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे दिया गया है, फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो आप यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल है, नए नए फ़ॉन्ट्स आप यहाँ पे डाउनलोड मोर के ऑप्शन में जाके अपने फ़ोन में डाल पाओगे। इसके अलावा स्टेटस बार में हम चलते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, यानी कि जो भी इंटरनेट की स्पीड होगी वो करंटली ऊपर शो होता रहेगा। बैटरी परसेंटेज यहाँ पे शो होने वाली है फ़ोन की। और इसके अलावा यहाँ पे हमें स्क्रीन सेवर देखने को मिलता है। गाइस जब भी हमारा फ़ोन जो है चार्जिंग में लगा रहेगा, यहाँ पे हमारे जो गैलरी के फ़ोटोज़ है वो हम एज ए स्क्रीन सेवर यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो क्लोक है वो एज ए स्क्रीन सेवर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। यहाँ से आप स्विच कर सकते हो या फिर स्मार्ट स्विच भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली स्विच करेगा रिफ्रेश रेट में, ताकि जो बैटरी है वो उसे सेव कर सके। इसके अलावा यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ ऐप्स है। गाइज जो ऐप्स ऑलरेडी फुल स्क्रीन में अच्छे से फिट हो जाते हैं वो यहाँ पे अपीयर नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप नए ऐप इंस्टॉल करोगे और उनमें अगर कोई इशू होता है फुल स्क्रीन में चलने में तो वो यहाँ पे शो होंगे, और उनका जो रेशो है वो आप यहाँ से आके सेट कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे टॉप एरिया डिस्प्ले, गाइज कुछ एप्लीकेशंस जो है फ़ोन में ये जो कैमरा है इसके साथ ठीक से सेट नहीं होता। यहाँ पे आके आप जो है किसी भी ऐप में अगर टॉप एरिया में एडजस्ट होने में इशू हो रहा है तो उसकी सेटिंग कर सकते हैं। और गाइज इससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में। तो यहाँ पे आपको थीम्स और वॉलपेपर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में हम चले तो यहाँ पे आपको वाइज लॉक स्क्रीन स्टाइल देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे मैगजीन सेलेक्ट करके रखोगे तो वॉलपेपर जो है लॉक स्क्रीन के वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। इसके अलावा आपको लॉक स्क्रीन पोस्टर भी इनेबल रखना होगा। और गाइज यहाँ पे लॉक स्क्रीन पोस्टर में आके आपको सब्सक्रिप्शन टाइप देखने को मिल जाती है, यानी कि जो भी कैटेगरीज होंगी वॉलपेपर्स की, जैसे मूवीज़ हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, एनिमल्स हो गया, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलती है जो कि लॉक स्क्रीन पे आती रहेंगी। सो जो भी कैटेगरी अगर आपको सही लगे तो वो आप सेलेक्ट रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे उन कैटेगरीज़ में जो भी वॉलपेपर्स होने वाले हैं वो वॉलपेपर बीइंग यूज में आपको देखने को मिलेंगे, या फिर फ़ोन की गैलरी से आप कोई भी फ़ोटोज़ उठा के लॉक स्क्रीन पे लगाना चाहते हो जो कि कंटिन्यूसली चेंज होती रहे तो यहाँ से आप वो सब भी कर पाओगे। इसके अलावा लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में ही आपको ऐड टू टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन का सेटिंग देखने को मिलती है। गाइज यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हो, जैसे अपना एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, जो कि लॉक स्क्रीन पे कंटिन्यूसली शो होता रहेगा और इमरजेंसी में ये काफ़ी काम आने वाला है। इसके अलावा होम सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसके बारे में मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसे में नीचे सिंपल मोड दिया गया है, जिसके बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, और उसे आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डायनेमिक इफेक्ट्स में। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है टच स्क्रीन एनिमेशन। गाइज यहाँ से आप अलग अलग एनिमेशन जो है टच स्क्रीन के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही मैं स्क्रीन को टच करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एनिमेशन जो है आता है, और ये काफ़ी कूल लगता है। तो आप अलग अलग टाइप के जो एनिमेशन है यहाँ पे दिए गए हैं, कोई भी एक सिलेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा नेक्स्ट है एम्बियंट लाइट इफेक्ट। गाइज एम्बियंट लाइट इफेक्ट में होगा क्या, जैसे आप इनकमिंग कॉल्स और नोटिफिकेशन के लिए इसे सेट कर पाओगे, तो जब भी आपके पास कोई कॉल नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ इस टाइप का साइड में आप देख रहे हो ये लाइट इफेक्ट है जो वो लाइट अप होगा, जो काफ़ी कूल लगता है देखने में। और यहाँ पे आप अलग अलग कलर्स जो है सेट कर सकते हो। इसके अलावा और भी सेटिंग्स यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट इफेक्ट की देखने को मिल जाती है। इससे नेक्स्ट है अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन। जब भी आप फ़ोन अनलॉक करोगे तो
यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एनिमेशन दिया गया है, कुछ इस टाइप का एनिमेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद है फेशियल रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन की यहाँ पे अलग अलग एनिमेशन दी गई है, तो आप कोई भी एक सिलेक्ट कर पाओगे। साथ ही यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन भी है, तो फ़ोन जब भी आप चार्ज करोगे तो कुछ इस टाइप के एनिमेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। USB इंसर्टेड एनिमेशन यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। सो ये जो सारे इफेक्ट है काफ़ी कूल है, आप इन्हें यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, डायनेमिक इफेक्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं साउंड्स में, तो यहाँ पे गाइज आपको जो है मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन, वॉल्यूम वगैरह की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो वॉल्यूम की है उसे आप मीडिया के साउंड के लिए या फिर रिंगटोन साउंड कंट्रोल करने के लिए सेट कर सकते हो। इसके अलावा वाइब्रेशन फॉर कॉल्स के लिए यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को मिल जाती है। और नीचे अगर हम चलें तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन वाइब्रेशन भी देखने को मिलता है। और सबसे एंड में यहाँ पे आपको अलग अलग जो साउंड्स है, जैसे डायल पैड हो गया, उसका साउंड हो गया, स्क्रीन लॉक का साउंड, चार्जिंग का साउंड, वो सब इनेबल डिसेबल आप यहाँ से कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको टच वाइब्रेशन, जैसे आप सॉफ्ट कीज़ वगैरह प्रेस करते हो या फिर कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हो तो एक हल्का सा वाइब्रेशन आपको महसूस होगा, वो यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर पाओगे। इसके अलावा ईयर कस्टमाइजेशन साउंड इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसे इनेबल करने के बाद गाइज अगर आप फ़ोन में ईयरफोन वगैरह यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप जो है कस्टम साउंड इफेक्ट डाल पाओगे। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में। इस यहाँ पे मेरे को एक सबसे अच्छी बात ये लगी, जैसे आप रिसेंट एप्लीकेशन क्लियर कर देते हो तो उसके बाद भी यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो कि रिसेंटली कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। इसकी सेटिंग ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, ये होम स्क्रीन सेटिंग्स में आ चुके हैं, तो सेम वहीं सब यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा स्क्रीन टाइम यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो कि फ़ोन को कितनी देर के लिए यूज़ किया गया है, कौन सी एप्लीकेशन को कितनी देर के लिए यूज़ किया गया था। ऐप क्लोन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, व्हाट्सएप वगैरह जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप एक साथ दो अकाउंट्स यूज़ करते हो, फेसबुक के, व्हाट्सएप वगैरह के, तो उनकी क्लोनिंग आप यहाँ से कर पाओगे। और साथ ही डिफ़ॉल्ट ऐप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। गाइस काफ़ी बार होता क्या है कि गलती से हमसे कोई दूसरा ऐप डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाता है, तो यहाँ से आके हम उसे चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमें परमिशन मैनेजर देखने को मिलता है। गाइस यहाँ से आके हम चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन ने हमारे माइक्रोफोन की, लोकेशन की, कैमरा की परमिशन ली हुई है। और अगर हमें लगे किसी ने अननेसेसरी कोई परमिशन ली हुई है तो उसे हम यहाँ से आके डिनाई कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं बैटरी सेटिंग्स में। और गाइस मान लीजिए आपके फ़ोन में कोई भी ऐप जो है बैटरी के मामले में मिसबिहेव करता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उसका क्या एक्शन लेना है वो यहाँ से आप चेकआउट कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पावर कंजप्शन मैनेजमेंट देखने को मिलता है। गाइस मान लीजिए आपको नोटिफिकेशन आता है कि फेसबुक ज़्यादा जो है पावर यूज़ कर रहा है, बैटरी यूज़ कर रहा है, तो यहाँ से आके आप जो है बैकग्राउंड पावर कंजप्शन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी ये सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है बैटरी यूजेज की। इसके अलावा हम चले रैम एंड स्टोरेज स्पेस में। गाइस यहाँ पे आपको रैम एक्सटेंड करने की सेटिंग देखने को मिल जाती है। और गाइस फ़ोन में 8GB की रैम पहले से है, लेकिन यहाँ पे हम 4GB की रैम जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। बस आपको इस सेटिंग को इनेबल कर देना है और उसके बाद अगर आपके फ़ोन को ज़रूरत होगी, जब भी आप कोई हैवी टास्क वगैरह करोगे, तो फ़ोन ऑटोमेटिकली 4GB रैम एक्सटेंड करेगा आपके फ़ोन की स्टोरेज को यूज़ करके। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको आपके फ़ोन की स्टोरेज का एक क्लियर व्यू देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके फ़ोन में फ़ोटोज़, वीडियोज़, म्यूज़िक, गेम्स वगैरह कितने स्पेस इन सब ने लिया हुआ है। और पर्टिकुलरली यहाँ से आप एक एक चीज़ को जो है अच्छे से चेकआउट कर पाओगे और अपना जो स्टोरेज है उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं सिक्योरिटी में। गाइस यहाँ के यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट, फेस लॉक जो है सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाती है। उससे पहले आपको यहाँ पे एक पासवर्ड जो है सेट करना होगा और उसके बाद आप यहाँ से जो है ऐप वगैरह पे अपने फिंगरप्रिंट को या फिर फेस लॉक को सेट कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको हाइड ऐप की भी सेटिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को जो है हाइड कर सकते हो। और यहाँ से बैक चलते हैं तो गाइस सिक्योरिटी में ही हमें नीचे की तरफ एक ऐप पिनिंग की सेटिंग देखने को मिलती है। अगर आप इसे इनेबल करते हो तो गाइस जैसे आप रिसेंट एप्लीकेशन वगैरह ओपन करते हो तो यहाँ पे आप जैसे इस डॉट पे टैप करोगे तो पिन का एक ऑप्शन मिलता है। और जैसे आप इस पे टैप करते हो तो मान लीजिए मैंने इसे पिन कर दिया, सो गाइस यहाँ पे जो सेटिंग है अब पिन हो चुकी है और मैं इन सेटिंग से बाहर नहीं आ सकता। सो गाइस ये उस केस में यूज़फुल होती है जब भी मान लीजिए बच्चे वगैरह फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई आपके फ़ोन को यूज़ करना चाहता है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन वो यूज़ करना चाहता है, तो ऐप पिनिंग का यूज़ करके आप उसे फ़ोन दे सकते हो ताकि आपके वो कोई और चीज़ें एक्सेस ना कर पाए। और नेक्स्ट प्राइवेसी में हम चलते हैं तो यहाँ पे परमिशन मैनेजर फिर से देखने को मिलता है। शो पासवर्ड यहाँ पे गाइस जैसे आप टाइप करते हो पासवर्ड को होम स्क्रीन पे तो वो शो होता है, तो यहाँ से अगर आप इसे बंद कर दोगे, डिसेबल कर दोगे, तो वो शो नहीं होगा।
इसके अलावा नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन जो पहले भी आ चुका है, रिसेंट ऐप प्रीव्यू। गाइस जैसे आप मान लीजिए कोई भी रिसेंट ऐप ओपन करते हो तो प्रीव्यू जो है बिल्कुल क्लियर दिखता है, लेकिन अगर आप ब्लर करना चाहते हो उसे तो यहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हो, और जैसे जो भी आप रिसेंट एप्लीकेशन ओपन करोगे तो उसका जो प्रीव्यू है वो ब्लर होने वाला है। अभी मैंने यहाँ पे सेटिंग का जो प्रीव्यू है वो ब्लर कर दिया है, तो जैसे ही मैं इसे रिसेंट में ओपन करूँगा तो सब कुछ ब्लर होगा, कुछ भी क्लियर शो नहीं होगा, तो काफ़ी अच्छी सेटिंग है ये। इससे नेक्स्ट गाइस हम चलते हैं जोवी होम में, और गाइस यहाँ पे जोवी होम जो है आप होम स्क्रीन पे जब राइट की तरफ स्वाइप करते हो तो जोवी होम की फीड आ जाती है, लेकिन अगर आप जोवी होम नहीं चाहते गूगल फीड्स चाहते हो तो यहाँ से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस जोवी होम को या फिर गूगल फीड्स को मुझे कोई भी डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं मिला अभी तक, तो यहाँ पर ये रहने वाला है आपके फ़ोन में। सो गाइस यहाँ पे आपको जो है ड्रिंक वाटर, आपके जो स्टेप्स वगैरह है उस सब की काउंटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। तो सेटिंग में आपको जोवी होम में आना है, ड्रिंक वाटर है, हॉट गेम्स है, स्पोर्ट्स मोड है, जो भी जोवी होम की फीड में दिखने वाला है उसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा अल्ट्रा गेम मोड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है सेटिंग्स में। और गाइस अल्ट्रा गेम मोड का एक फ़ायदा यह है, जैसे आप गेम्स वगैरह प्ले करते हो तो उसमें जो भी कॉल्स वगैरह आती हैं, मैसेजेस आते हैं, उन्हें कैसे मैनेज करना है वो सब आप यहाँ से अल्ट्रा गेम मोड में आके सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको वाइब्रेशन वगैरह गेम खेलते टाइम उस सब की सेटिंग देखने को मिलती है। अल्ट्रा गेम मोड में आके आप काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हो गेम प्ले करते वक्त। नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको स्क्रीन कैप्चर की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जैसे आप स्क्रीन शॉट कैसे ले सकते हो, और इसके अलावा आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स देखने को मिलती है। यहाँ पे रिकॉर्ड साउंड आपको देखने को मिलता है, सो उसमें आके आप जो फ़ोन का माइक्रोफोन साउंड है या फिर फ़ोन के जो इंटरनल साउंड है वो सब रिकॉर्ड करना चाहते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वक्त, उस सब की सेटिंग देखने को मिलती है। पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, हाई लो होनी चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। इसके अलावा नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आते हैं तो उसका साउंड जो है डिसेबल रहे, उस सब की सेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही नेक्स्ट यहाँ पे स्मार्ट स्प्लिट दिया गया है, उस सब की सेटिंग यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ से आके आप चेकआउट कर लीजिएगा। स्मार्ट मोशन यहाँ पे दिया गया है, तो स्मार्ट मोशन में सबसे फर्स्ट में है स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन, तो यहाँ पे आपको रेस्ट टू वेक का ऑप्शन मिलता है। जैसे आपका फ़ोन स्टिल कहीं पे रखा हुआ है, आप अचानक से उसे उठाते हो तो फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो ऑटोमेटिकली लाइट अप हो जाएगी। डबल टैप टू वेक का ऑप्शन है, डबल टैप टू ऑफ का ऑप्शन है, स्क्रीन को आप डबल टैप करके ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉल का ऑप्शन देखने को मिलता है। गाइस स्मार्ट कॉल में होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए आपने कोई भी कॉन्टैक्ट की डिटेल ओपन की हुई है और आप फ़ोन को अपने ईयर्स के पास ले जाते हो तो कॉल ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ऐसे ही स्मार्ट आंसर है, स्मार्ट स्विच यहाँ पे है, हैंड फ्री मोड से ईयरपीस मोड पे फ़ोन अपने आप चला जाएगा। स्मार्ट म्यूट यहाँ पे है, जैसे ही आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को अपनी हथेली से कवर कर दोगे तो फ़ोन कॉल जो है साइलेंट हो जाएगी। वेव टू हैंड फ्री यहाँ पे दिया गया है, और इसके अलावा स्मार्ट वेक में अगर हम चलते हैं सो अगर आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है वो ऑफ रहेगी तो कुछ इस तरीके जेस्चर्स के साथ आप फ़ोन की कुछ एप्लीकेशंस को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ड्रो सी टू लॉन्च डायलर, सो स्क्रीन बंद रहेगी, उस टाइम अगर हम सी ड्रो करेंगे तो डायरेक्टली फ़ोन का जो डायलर है वो ओपन हो जाएगा। तो ऐसे और भी एप्लीकेशंस को हम जेस्चर्स की हेल्प से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा शेक टू टर्न ऑन फ्लैशलाइट यहाँ पे, यानी कि फ़ोन को अगर हम शेक करेंगे तो फ्लैशलाइट जो है वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्विक एक्शन में अगर हम चलें तो वही जो वॉल्यूम डाउन बटन है उसका क्या एक्शन होना चाहिए, अगर हम उसे 4 से 5 सेकंड तक प्रेस करते हैं जब फ़ोन की स्क्रीन बंद रहेगी तो वो यहाँ से आके हम सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इजी टच हमें देखने को मिल जाता है, गाइज एक असिस्टिव बोल जो है हमारे फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाएगी और ये गाइज ऑटोमेटिकली हाइड हो जाती है, और इससे काफ़ी सारे फंक्शन आप कर सकते हो, जैसे एज ए टैब मेन्यू आप इसे यूज़ कर सकते हो, जैसे होम स्क्रीन पे आना डायरेक्टली या फिर सिंगल बैक करना। इसके अलावा आप इसे जैसे आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे स्क्रीन शॉट लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, फ्लैश लाइट इनेबल करना या फिर किसी भी ऐप को ओपन करना, तो बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी कुछ अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है, आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो या फिर इंस्टा एफ बी ट्विटर पे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको फेस ब्यूटीफुल वीडियो कॉल देखने को मिल जाता है गाइज, जैसे व्हाट्सएप वगैरह में, फेसबुक पे आप वीडियो कॉल वगैरह करते हो तो उसमें आप फेस ब्यूटी इनेबल कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, इनकमिंग कॉल्स और मैसेजेस के लिए जो फ़ोन की पीछे की तरफ फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाएगी अगर आप इसे इनेबल करोगे। टास्क टाइमर यहाँ पे दिया गया है, 100 मोड यहाँ पे दिया गया है, गाइस कुछ इस टाइप का जेस्चर यूज़ करके आप फ़ोन को 100 मोड में यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे है,
और गाइस एक्सेसिबिलिटी में आपको एक सेटिंग देखने को मिलती है जिसमें आपको पावर बटन एंड कॉल्स, यानी कि अगर आप पावर बटन का यूज़ करके जो कॉल्स है उन्हें एंड करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। इससे नेक्स्ट हम डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल में चलते हैं गाइस। यहाँ से आके आप चेकआउट कर सकते हो कि फ़ोन को कितनी बार अनलॉक किया गया है, कितने नोटिफिकेशंस फ़ोन पे आए हैं, साथ ही बेड टाइम यहाँ पे है, फोकस मोड यहाँ पे है, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही पेरेंटल कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है गाइस, जैसे पेरेंट्स आपके फ़ोन को यूज़ करते हैं तो काफ़ी कुछ पेरेंटल कंट्रोल आप यहाँ पे सेट कर सकते हो उनके लिए, ताकि वो फ़ोन को काफ़ी अच्छे ढंग से यूज़ कर पाए। गाइस नेक्स्ट, काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि जो उनके कॉन्टैक्ट्स है वो सिंक्रोनाइज नहीं होते उनकी जीमेल आईडी के साथ। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अकाउंट्स में आना है और आपकी जीमेल पे टैप करना है। इसके बाद अकाउंट सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आपको जो है श्योर करना है कि ये जो ऑप्शन है ये इनेबल हो, तो उसके बाद जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स है वो आपकी जीमेल पे अपलोड हो जाएंगे। और गाइस नेक्स्ट हम चलते हैं सिस्टम सेटिंग्स में। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको सिस्टम नेविगेशन देखने को मिलता है। इस यहाँ पे जो ये नेविगेशन कीज़ है इनको हाइड करके आप जैसे सिस्टम का यूज़ कर सकते हो, और उसका ट्यूटोरियल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि कैसे आप इन्हें यूज़ कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको सबसे एंड में मल्टीपल यूज़र देखने को मिलता है गाइस। अगर आपके फ़ोन को एक से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप अलग अलग यूज़र सेट कर सकते हो, ताकि जो भी आपका डाटा है वो सब मिक्सअप ना हो। इसके अलावा फ़ोन क्लोन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गाइस। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ़ोन के कैमरा की तरफ। तो यहाँ पे गाइस कैमरा में जो है हमें नाइट मोड देखने को मिलता है, और नाइट मोड में यहाँ पे आप जो है काउंटडाउन वगैरह सेट कर सकते हो, फ्रेम जो है फोटोज़ का वो चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड में यहाँ से आप फिल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हो, ब्यूटी मोड। इसके अलावा बोके इफेक्ट यहाँ पे है गाइस, जो पीछे का ब्लर बैकग्राउंड इफेक्ट रहता है उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, यानी कि कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसके अलावा फ़ोटो मोड में अगर हम चलें तो यहाँ पे गाइस हमें HDR मोड देखने को मिलता है, साथ में AI ऑप्टिमाइजेशन मोड, जिससे जो फोटोज़ वगैरह है वो और भी अच्छे निकल के आने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो मोड में अगर हम चलें तो यहाँ पे हमें फिल्टर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, साथ ही ब्यूटी मोड यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप ये जो थ्री लाइंस दी हुई है इन पर टैप करते हो तो यहाँ से आके आप वीडियो रेजोल्यूशन को चेंज कर पाओगे। और अगर हम चलें मोर के ऑप्शन में, वैसे यहाँ पे हमें 48 मेगापिक्सल्स के साथ अलग से फोटोशूट करने का ऑप्शन दिया गया है। पैनारोमा मोड यहाँ पे है, लाइव फोटो हम यहाँ से शूट कर सकते हैं, स्लो मोशन यहाँ पे है, टाइम लैप्स यहाँ पे है, साथ ही प्रो मोड यहाँ पे दिया गया है, और डॉक्यूमेंट मोड भी यहाँ पे है। मैं आपको बता दूं कि फ्रंट कैमरा में सिर्फ हम लाइव फोटो को ही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन जो है हम फ्रंट कैमरा में यूज़ नहीं कर पाएंगे। अलावा अगर हम चले कैमरा की सेटिंग्स में तो यहाँ पे जो है हमें मिरर सेल्फी की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, यानी कि हम मिरर सेल्फी इनेबल कर सकते हैं। साथ ही वाटरमार्क यहाँ पे है, और कस्टम वाटरमार्क हम यहाँ पे डाल सकते हैं, साथ ही फ़ोन का मॉडल या फिर टाइम वाटरमार्क वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा कोई भी खास सेटिंग्स यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये थे वीवो Y72 के सभी सेटिंग्स। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और इसके अलावा आप लोगों की कोई क्वेरी है या फिर वीडियो को लेकर कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, या फिर इंस्टा भी ट्विटर पे आ सकते हो। और गाइस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।